तो वेलकम बैक गाइस, आप सब स्वागत है गेम्स ऑफ आई एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम खेले जा रहे हैं फिर से F1 2021 माई टीम करियर मोड सीजन 3। और हम आ चुके हैं फ्रेंच ग्रैंड प्री, और हमारे सामने है पर्सनल डिपार्टमेंट के कुछ इशू होंगे, तो चलते हैं सीधे हम We पर्सनल have a problem डिपार्टमेंट regarding our driver. How do you want to handle this? पे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इंजेक्ट, यहाँ पे सब वेराइटी, यहाँ पे कौन के सिमुलेटर प्रोग्राम में करना चाहते हैं ये लोग, और इसमें थोड़ा सा इन्होंने सेशन में चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमें तो इसमें से हमें चूज करना है। तो हम Thanks for stepping in and helping handle that. और यहाँ पे अब एक्टिविटीज पे चलते हैं। तो गाइस 9 डेज फ्री डेज हैं तो हमारे पास, हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ऊपर के तो छोड़ देते हो, रेस सिमुलेशंस। तो सेकंड ड्राइवर को यहाँ पर अवेयरनेस और एक्सपीरियंस बढ़ता तो डेफिनेटली, और सेकंड ड्राइवर प्लस टूर अभी देखते हैं। सेकंड ड्राइवर का कुछ नहीं हो रहा ना अब तो, यहाँ पे देख सकते हैं क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता मैं क्या चूज़ करूँ। मैं पावर डिपार्टमेंट चूज़ कर लेता हूँ, एक ये चूज़ कर दिया है, बाकी एक ही दिन बचा। अरे यार यही तो अटक जाते हैं हम लोग आके, फिर इसको छोड़ो, ड्राइव सेकंड ड्राइवर प्रेस टूर कर देता हूँ मैं। बाकी आगे चलो फैसिलिटीज़ में चलते हैं। तो अभी तक हमारा पावर टैंक काम पूरा हुआ नहीं है क्योंकि अभी 25 जून नहीं आई है, तो देखेंगे चल के। अभी 25 जून आएगी तो डेफिनेटली हम अपग्रेड करेंगे, और हमें अपग्रेड कब मिलने वाले थे वैसे, 28 जून को। तो डेफिनेटली यहाँ पे नेक्स्ट वीकेंड हमें अपग्रेड मिलने वाले हैं एयर डायनेमिक्स के, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट इस वीकेंड हमें कोई अपग्रेड नहीं मिल रहा है, तो वही मतलब आई होप कि इतना अच्छा पेस, अच्छा ही पेस रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी हम काफ़ी सारी फरारी और मिक्लारन काफ़ी ऊपर चली गई हैं अपग्रेड्स में। बट हम भी यही तुमसे जंप मत करें क्योंकि हमारे 3 अपग्रेड्स हैं अब अच्छे वाले, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और वीकेंड वेट करना है बस। बट यहाँ पे इंजन्स पे देखे तो 57% आई होप कि चल जाना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये भी चल जाएगा। बट अगर जाएगा तो मैं प्रैक्टिस में देखूँगा ना, मतलब क्वालिफाइंग से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि कितना चल सकता है कि नहीं चल सकता, तो बता दूंगा मैं, वरना तो कोई बात ही नहीं है। मेरे घर चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीक हम नए पार्ट्स लाएंगे और अपग्रेड्स भी होंगे, तो काफ़ी हमारी स्ट्रॉन्ग कार होगी नेक्स्ट वीकेंड, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीकेंड वर्क से। बट इस वीकेंड को भी हम हल्के में नहीं लेने वाले हैं क्योंकि इसको भी हमें अच्छा बनाना है, भले ही हमारे पास अपग्रेड्स ना हो, बट इतना ही बुरा पेस नहीं है हमारा क्योंकि हम कनाडा में हमने देखा कि काफ़ी ठीक ठाक पेस था। और तो आई होप कि हम फ्रांस में भी उतना ही अच्छा पेस मेंटेन करके चलें और अच्छे रिजल्ट लाएं। तो चलते हैं गाइस सीधे वीकेंड पे, किसी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं रेस वीकेंड पे, बट यहाँ पे मेरे को एक स्पेक 3 पे यहाँ पे खुल चुका है मैंने देखा अभी, तो यहाँ पे हम अपग्रेड्स यहाँ पे लगा देते हैं पावर टैंक के भी क्योंकि ज़्यादा वेट करना है। तो ये देख सकते हो तुम एग्जॉस्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। कम मिलेगा हमको ये, हमें मतलब नेक्स्ट ग्रैंड प्री यानी कि ठीक है एयरडायनेमिक्स मतलब ब्रिटिश के बाद वाली मतलब हंगरी में हमें मिल जाएगा, तो ठीक है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पावर पावर में भी पीछे हो गए देख सकते हो तुम लोग, सब में हम पीछे ही हो गए हैं, इतने दिन से हमें अपग्रेड नहीं मिले हैं। यहाँ पे रोटर्स, यहाँ पे हम इसको सब का सब कुछ अपग्रेड कर दूंगा जितना भी मेरे को मिलेगा। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डेफिनेटली, बट अब नहीं होगा हमारे पास कोई अपग्रेड मेरे ख्याल से अभी। अच्छा अभी अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारी तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे हमें 27-28 जून को यहाँ पे एयर डायनेमिक्स, 19 जून को यहाँ पे पावर 10 के अपग्रेड्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी यहाँ पे हमारी कार मजबूत हमें दिखती है होती हुई जब ये मिल जाएंगे। और अभी हम चेसिस को भी अपग्रेड करेंगे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास उतना रुपया है नहीं, और अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट भी देखना है अभी हमारे ओकन को, तो इस वजह से अभी हमें मनी हमारा इशू है। तो बट हम आई थिंक ये दो अप ये सारे अपग्रेड हमें हेल्प करेंगे उन सबको सॉल्व करने में, एंड सॉल्व होता चला जाएगा हमें, बस जितनी दिक्कत वाली बात है नहीं, जितना लग रहा है अभी वो है दिक्कत वाली बात, बट ठीक है सॉल्व हो जाएगा सब। तो चलते हैं गाइस सब सर्किट पॉलीकार्ड, लेट्स गो।
Q3 में पहुंच चुके हैं तो एक्सपेक्टेड है अच्छा कुछ करें यहाँ पे, अच्छी पोजीशन गेन करें, मतलब तो सिक्स फिफ्थ से सेवन तक लग जाए तो काफ़ी ठीक ठाक रहेगा कार के हिसाब से मेरे ख्याल से, बट वैसे तो कितना ही ऊपर लग जाए तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा, बट देखते हैं। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन लैब माना पड़ेगा जो कि यहाँ पे स्टार्ट भी हमारा लैब यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम फाइनल कर्व्स पे यहाँ पे चलते हुए फाइनल टर्न यहाँ पे, और वेट कंडीशन में वैसे मज़ा बहुत आता है पानी देखने में, चलाने में नहीं, चलाने में भी आता है अगर आपकी कार सही चल रही है, बट स्ट्रगल कर रहे हो आप वेट में तो आप मर ही जाओगे, मतलब पागल हो जाओगे फिर, क्योंकि वेट में स्ट्रगल नहीं होता भाई साहब। और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं रितेश सिंह क्योंकि यहाँ पे 9th ही पे आ पाए सिर्फ, तो ये थोड़ी सा अच्छा रिजल्ट नहीं है। 7th मैंने 6th कहा था, 9th नहीं कहा था, क्योंकि 9th थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है यार देखने में, बट देखेंगे यहाँ पे एक और लैब हम ट्राई कर रहे हैं गाइस, तो देखते हैं यहाँ पे कितना गेन कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लैप में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा चांस होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि और कितना चला सकते हैं अच्छा। तो देखते हैं यहाँ पे फिर से, यहाँ पे एक और बार यहाँ पे फाइनल टर्न्स और फाइनल लैप है ये, क्योंकि यहाँ पे Q3 का चैकेट फ्लैग हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेन किया यहाँ पे 10th 7000 यहाँ पे गेन कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉसिंग द लाइन नाउ, और पता नहीं यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आए होंगे, बट आई होप कि अच्छी पोजीशन 5th या 4th पे आए हों, लेकिन नहीं यहाँ पे पोल पोजीशन, वाओ हो हो सरप्राइजिंग सरप्राइज मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा, और सिर्फ 8200 यहाँ पे पीछे रह गए मैक्स वर्स्टापन, और बहुत ही सारे क्लोज यहाँ पे नंदो नोरिस तक देख लेते हम यहाँ पे 7th नंबर, तो यहाँ पे 0.5 आधा ही सेकंड पीछे हैं, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पोल पोजीशन, चलते हैं गाइस इधर रेस पे। Welcome along then to France, host of the world famous Tour de France. But we're not talking two wheels today, we're talking four, in a country widely thought of as giving birth to the art of motor racing back in the late 1800s. We've come a long way since then, and you're about to find out how far. It's time for the French Grand Prix. We have 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The rain is coming down and making for a slippery racing surface, but luckily there is plenty of runoff available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Singh lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Lewis Hamilton and Sainz, Norris, Leclerc, Ricciardo and George Russell, Ocon, Stroll, Pierre Gasly and Tsunoda, Latifi, Giovinazzi and Guan Yu Zhou and Mick Schumacher, Aitken, Daruvala, Mazepin and Kimi Raikkonen finishes off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे हम पोल पोजीशन पे लगे हैं, और इनका हमेशा टॉप 10 फिनिश ही रहता है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी तक ये वर्ल्ड चैंपियन टीम नहीं बन पाएंगे अगर इनकी ऐसी सोच रहेगी, इनकी चेंज करना पड़ेगी स्ट्रेटजी। देखे तो यहाँ पे ज़्यादा वेट कंडीशन है नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ जाएंगी ड्राई, मतलब थोड़े मतलब 8-10 लैप बाद यहाँ पे, लेकिन सारी यहाँ पे कार से फॉर्मेशन लैप के लिए जाती हुई, और यहाँ पे हम सेकंड बार में गया पोल पोजीशन पर लगे, एक बार जगह पर लगे थे जो कि हम बाहर हो गए थे, बट आई होप इसमें इस रेस में ऐसा कुछ ना हो, और फर्स्ट पे आए हम क्योंकि पोल पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं बिल्कुल रेडी हम क्लच के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3-4-5 लाइट्स इज ऑन, लाइट्स ऑफ है ना भाई, बिको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा स्टार्ट किया यहाँ पे रितेश ने, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे बेस्ट स्टार्ट मैक्स वर्स्टापन ने यहाँ पे उनसे भी अच्छा स्टार्ट किया, बिल्कुल यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन ने उनसे अच्छा स्टार्ट किया यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे इनसाइड लाइन रितेश, लेकिन नहीं यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन ने इस ग्रैंड प्री को लीड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन स्टार्ट मैक्स वर्स्टापन की तरफ से देखने को मिला, और काफी बढ़िया वहाँ पे मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पे
लीड हासिल कर ली है इस रेस की वर्स्टापन ने। तो यहाँ पे रितेश हाथ हो चुके हैं एक प्लेस पीछे वर्स्टापन से। वर्स्टापन ने मेरे से सीजन तुम लोग देखोगे तो जब जब वो सेकंड पे लगे तो मेरे ख्याल से उन्होंने मतलब काम कराई है लुईस हैमिल्टन के साथ लगे हैं। जब वो मतलब जब भी मेरे ख्याल से वो सेकंड पोजीशन में लगे तो वो आगे निकले ही हैं। तो मैक्स वर्स्टापन बहुत ही बड़े स्टार्ट कर रहे हैं इस सीज़न। बट यहाँ पे अब स्टार्ट तो हो चुका है, उसको भूल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी रितेश के पास चांस है। क्या वो पीछे कर सकते हैं वर्स्टापन को, क्या उतना पेस है रेस पे? क्योंकि क्वालिफाइंग में आप पोल पोजीशन पे हो तो आपको एक्सपेक्ट करते हो कि आपका अच्छा रेस पोज होगा। बट वो बैड पेस था। Forecast is 5 or 10 more minutes of rain before it dries up. Not sure whether dries or inters are faster. और यहाँ पे बिल्कुल दोनों टायर्स यहाँ पे बताए हैं यहाँ पे इंजीनियर कि दोनों ही बेस्ट हैं। मतलब आप इतनी तेज बारिश हो नहीं रही है और तुम तो देख सकते हो ट्रैक सूखा ही, मतलब गीला है बट सूखा ही है, मतलब लगभग सूखा ही है, बंदी है बारिश। मेगा 3, 4, 5, 6 लैप जो भी रहे वो रहे और यहाँ पे पहले हमारे पास आ रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। यहाँ पे एक ही लैप में 1.5 सेकंड का फासला बना लिया यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन ने और उनके टीममेट सर्जियो पेरेज़ हमारे बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत में दिखते हुए मेरे को रितेश काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट स्ट्रगल तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे उनको कुछ करना पड़ेगा और आपको पीछे नहीं होना है। तो काफ़ी यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग वाला पेस दिखाना पड़ेगा। बट वही तो बात है कि एक लैप पेस और बहुत सारे लैप के पेसों में अंतर होता है ना कार में। बहुत सारी कार्स होती हैं एक लैप में बहुत अच्छा चलती हैं और बहुत सारी कार जैसे मर्सिडीज़ उनको क्वालिफाइंग जैसे हम 2019 देखे हैं तो फरारी लगभग पोल पोजीशन लगती थी बट उनका रेस पेस इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे लगता है हमारे साथ वो काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फास्टेस्ट लैप यहाँ पर देश का, तो इसका मतलब वो बता रहे हैं कि नहीं भाई साहब हमारा भी ठीक ठाक पेस है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी अब वापसी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक अब यहाँ पे मेंटेन रखा है पिछले 2 लैप से यहाँ पे और गेन भी कर रहे हैं यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन को। तो यहाँ पे धीरे धीरे गेन करना पड़ेगा। बट दिक्कत यह है क्योंकि ट्रैक सूखता जा रहा है तो मेरी दिक्कत यह है कि ड्राई टायर्स के साथ कैसा यहाँ पे पेस आएगा क्योंकि वो देखना है। वेट टायर्स के साथ पेस आपका अलग होता है, ड्राई के साथ आपका अलग होता है। देखिए मैंने बहुत बार बोला क्योंकि ड्राई में आप जस्ट डेफिनेटली आपकी जो कार फास्टेस्ट वही रहती है बट वेट में वैसा नहीं होता। वेट में कोई भी फास्टेस्ट हो सकती है कार, याद होगा तुम लोगों को 2008 इटली सेबास्टियन वेटल वहाँ पर पहले रेस जीते थे अपनी, क्योंकि वो वेट कंडीशन थी। ड्राई कंडीशन होती तो मुझे नहीं लगता वो जीतते क्योंकि टोरो रोसो नहीं जीत भाई नहीं थी ना फास्टेस्ट इसलिए नहीं जीतते। और यहाँ पे DRS इनेबल्ड हो चुका है गाइस। और बिल्कुल यहाँ पे इस लैप में स्विच करना पड़ेगा ड्राई टायर्स पे क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे अब वक्त आ गया स्विच करने का। और यहाँ पे सर्जियो पेरेज़ मेरे ख्याल से स्टे हैं, काफ़ी ज़्यादा जितने भी आए हैं आगे से टीम से उनका एक एक ड्राइवर सबका भारी होगा, ऐसा तो है नहीं डबल स्ट्रेक करेंगे कोई। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा पिट स्टॉप चाहिए होगा क्योंकि मैक्स वर्स्टापन से हमें आगे जाना है। बट जाना है ना, जा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम मैक्स वर्स्टापन पहले आगे निकल चुके हैं। और बिल्कुल 2.1 सेकंड काफ़ी अच्छा पिट स्टॉप फिर भी, लेकिन नहीं आगे आ जा पाए। और मैक्स वर्स्टापन यहाँ पे एटकिन के आगे भी चले गए हैं तो ये हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई क्योंकि हम एटकिन को हमें ओवरटेक करना पड़ेगा। मतलब एटकिन हमारे बीच में आ गए हैं, शिट वैसे भी 2.5 सेकंड आ गए हैं मैक्स वर्स्टापन। ओहो काफ़ी अच्छा रेड बुल का ही पिट स्टॉप मतलब रहा है, ऐसा नहीं है। और एटकिन ने इंटर टायर के साथ क्योंकि वो पिट में नहीं गए हैं तो यहाँ पे रितेश के पास चांस हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक यहाँ पे ओवरटेक किया लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ यहाँ पे फ्लोर के साथ यहाँ पे एटकिन का रितेश के, और आई होप कोई डैमेज ना हो। नो यहाँ पे डैमेज है अंडर बॉडी लिटिल डैमेज यानी कि हल्का सा डैमेज है, ज़्यादा कुछ सीरियस वाला इशू नहीं है। बट वो थोड़ा डैमेज मुझे नहीं पता कितना डैमेज करेगा हमारे पेस को। और डैमेज क्या जो हमें बिल्कुल ही हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं वर्स्टापन यहाँ पे आराम से आगे निकलते जा रहे हैं क्योंकि हमें बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है हमें बिल्कुल ही पूरी तरीके से। फाइनली यहाँ पे ओवरटेक कर लिया हमने और मेरे को समझ नहीं आ रहा जब इंटर साइड मतलब ये बंदा क्यों हमें इतना ब्लॉक कर रहा था। भाई आप पैसे पीछे होने वाले हो इंटर चल रहे हो फिर भी हमारा टाइम ख़राब कर दिया और यहाँ पे आराम से बड़ा आगे निकल गया। यहाँ पे 4 सेकंड लगभग मान के चलो ये लो हो गए 4 सेकंड आगे निकल गया यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन। ओह शिट काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए वो।
और हैमिल्टन पीछे आ गया, लेक्लेयर्स, बोटास, पियर गास्ली का फास्टेस्ट लैप, और यहाँ पे बोटास यहाँ पे गिन करते हुए यहाँ पे लेक्लेयर्स को यहाँ पे आउटसाइड से यहाँ पे बोटास यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए लेक्लेयर्स को, और बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ओवरटेक बोटास के द्वारा, और आगे यहाँ फोर्थ नंबर पे बोटास, और यहाँ पे 5.4 सेकंड्स यहाँ पे आगे चल रहे हैं हमसे मैक्स वर्स्टापन और लुईस हैमिल्टन हमारे पास आ रहे हैं, देख सकते हो तो लोग 3 सेकंड पीछे रह गए हैं सिर्फ, और यहाँ पे 6 सेकंड्स लगभग आगे निकल चुके हैं। एक और नई स्ट्रेटजी आई है हमारे पास हार्ड टायर्स के साथ लैप 12 में, कि 1:2 मतलब एक ही बार हमें पिट स्टॉप में जाना पड़ेगा इसके बाद, और यहाँ पर बिल्कुल धूप निकल चुकी है, लुईस हैमिल्टन हमारे पीछे आ चुके हैं 0.4 में, मैक्स वर्स्टापन 7.4 सेकंड्स आगे, मतलब उनकी लीड बढ़ती ही जा रही है। ड्राई मैंने जैसे कि मैंने बोला था वेट और ड्राई में हमारी कार अंतर आ गया है, क्योंकि ड्राई में रेड बुल और मर्सिडीज बहुत तेज है और देख सकते हो तुम लोग, और यहाँ पे DRS भी होगा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करते हो यहाँ पर, लेकिन नहीं यहाँ पर काफ़ी लंबा स्ट्रेट, काफ़ी सुपर फास्ट कार एक बहुत ही ज़्यादा मर्सिडीज हमसे, और बड़ा आराम से यहाँ पर लुईस हैमिल्टन ने पीछे छोड़ दिया, और लुईस हैमिल्टन भी ड्राइव कर रहे हैं उस कार को, तो वैसे ही बड़ी सुपर फास्ट हो जाती है अपने आप ही, तो यहाँ पे बड़ा आराम से मर्सिडीज लुईस हैमिल्टन हमसे आगे निकल चुके हैं, और हमने डिसाइड किया कि हम इसी लैप में जाएंगे बिट में, क्योंकि हार्ड टायर्स हैं तो 17-18 लैप चल जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा मैं टाइम ख़राब करूँ अपना सॉफ्ट टायर के साथ, तो लेट्स स्विच जल्दी से करते हैं, जल्दी से हार्ड टायर स्विच, और देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। और पिट में तो आ चुके हैं, और देखना पड़ेगा भैया, लेकिन ओकोन कहाँ है भाई, ओकोन मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं वो, पता नहीं 17-18 पे चल लेंगे, नहीं 15-16 पे चल लेंगे, बट 15-16 चले 11 पे चले, 0 पॉइंट मिलने हैं, दिक्कत यह है। सर जी पहले जहाँ पे आउट ऑफ द स्टेशन लिख के आ गया, वो स्टेट यहाँ पे आगे टर्न 1 पे वो बाहर हो गए, देखते हैं चल के अभी हम टर्न 1 पे हैं, आई होप वहाँ उनकी कार जब तक गायब ना हो जाए, क्योंकि वीडियो गेम में गायब हो जाती है कार, आई थिंक मैकेनिकल फेलियर लग रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह खड़ी है कार, हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक ही जगह कार खड़ी है साइड में बिल्कुल, तो यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर के कारण यहाँ पे मेरे सर जी पेरेज बाहर हो चुके हैं, और रेड बुल को झटका लगा है ये, बट हमें नहीं लगा, तो हमें अपनी कोशिश करती रहनी है। यहाँ पे जीवनाथ जी यहाँ पे पिट में गए, यहाँ पे काफ़ी सारी कार यहाँ पे पिट में जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉल हमसे आगे हैं 1 सेकेंड, और DRS हमें देखे जीवनाथ जी, तो उनका थैंक यू, और यहाँ पे नॉरिस और लेक्लेयर्स यहाँ पे बाहर आते हुए पिट से, और बिल्कुल यहाँ पे बोटास यहाँ पे बाहर आए थे पिट से, और बिल्कुल यहाँ पे बी टू बी यहाँ पे फाइट करते हुए यहाँ पे स्ट्रोल के साथ, और बिल्कुल यहाँ पे इंसाइड में थे बोटास, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे स्ट्रोल को, और अगर वो स्ट्रोल को ओवरटेक नहीं करते तो हमारे पास चार चांस होता कि बोटास को हम धर लें, कैच कर लें, मतलब पीछे कर दें, बट अब वो स्ट्रोल से आगे निकल चुके तो हमें स्ट्रोल को ही पहले पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो वो तो तब तक बहुत आगे निकल जाएंगे, जैसे तुम देख भी रहे हो आराम से कितना आगे, कितनी तेज़ चल रही है भाई मशीन, वाह क्या ही पेस है बात, और हमारे पीछे लेकिन डैमेज कार्ड हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली डेनली कार्डो हमें ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे कर भी रहे, लेकिन हमें स्लिप स्ट्रीम मिल रही यहाँ पे स्टॉल से, तो यहाँ पे इतना कोई होने वाला नहीं, यहाँ पे लेट ब्रेकिंग इनसाइड से यहाँ पर ट्राई करते हुए, और यहाँ पे पिछते यहाँ पे आउटसाइड में होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी लाइन वहाँ पे, और ओवरटेक कर लिया यहाँ पे स्टॉल को, और स्टॉल मीडियम से ऑल टायर्स के साथ हैं, तो बट हम बराबरी कार है, लेकिन यहाँ पे स्टॉल वापस आते हुए, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉल वापस आते हुए बिल टू बिल यहाँ पे साइड बाई साइड रेसिंग यहाँ पे इनसाइड में यहाँ पे रितेश, लेकिन काफ़ी अच्छी दोनों ही अच्छी लाइन पे हैं, तो काफ़ी बढ़िया फाइट यहाँ पे देखने को मिली है, दोनों ही बिट टू बिट साइड बाई साइड, एंड यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ओवरटेक कर दिया इनसाइड में, तो यहाँ पे रितेश से क्योंकि तो यहाँ पे लेकिन लेक्लेयर्स भी यहाँ पे डैनली कार्डो से आगे निकल गया, हमें देखना पड़ेगा ये काफ़ी मतलब वहाँ पे हुआ वो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, बट यहाँ पे काफ़ी सारे पिट में जा चुके हैं कार, जिसकी वजह से यहाँ पे लेकिन बोटास यहाँ पे पहले पिट से पहले हैमिल्टन से पीछे थे, लेकिन बोटास ने अपने ही टीममेट को ओवरकट कर दिया है, हाँ आई थिंक अंडरकट कर दिया, सॉरी नहीं नहीं हाँ अंडरकट कर दिया, तो मर्सिडीज ही मर्सिडीज को अंडरकट ओवरकट करती हुई, बट यहाँ पे लेक्लेयर्स हमारे पीछे लगे हुए बिल्कुल, यहाँ पे जिग जैगिंग यहाँ पे करते हुए यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, जैसे कि मैं बोला काफ़ी तेज स्ट्रेट है ये, काफ़ी मतलब लंबा स्ट्रेट है, और बिल्कुल जी हाँ आराम से यहाँ पे ओवरटेक कर लिया, और मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे इनसाइड वाले को उतना वो नहीं मिला जितना आउटसाइड वाला वहाँ पे अच्छा टर्न करा इस ट्रैक पे, मतलब जो भी स्ट्रेट है, एक तो ये हमारा ग्रैंड स्ट्रेट स्ट्रेट और एक ये हमारे DRS लॉन्ग स्ट्रेट, इन दोनों में मैंने देखा कि आप आउटसाइड में इनसाइड में अगर हो तो आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये मैंने देखा, बट यहाँ पे डैमेज कार्ड हमें पूरी यहाँ पे कोशिश करते हुए यहाँ पे बिल्कुल आ ही गए थे बगल में, लेकिन नहीं यहाँ पे बच गए क्योंकि उनके पास अच्छे साइड थे, बट उनका क्या ही वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है वापस से यहाँ पे
दे आर रजिस्ट्रेट, तो इतनी दिक्कत उनको होगी उनको पहले पता, लेकिन आप बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे डिफेंड करने की, बिल्कुल ही अपनी कार को साइड में कर ले आए, आप आइए और हमें पीछे करिए, बिल्कुल यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे रितेश, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आराम से यहाँ पे जैसे कि मैं बोला यहाँ पे आउटसाइड में यहाँ पे डैनियल रिकार्डो और ओवरटेक कर लिया यहाँ पे रितेश को, जैसे कि मैं बोला कि आउटसाइड वाले के पास बहुत अच्छा चांस है भाई, और यहाँ पे नॉरिस भी यहाँ पे दो मिक्लेयर यहाँ पे साथ एक साथ ओवरटेक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे पुश करते हैं वहाँ पे रितेश वाइड, तो मतलब भाई आप चले जाइए, आप मतलब ऐसे बोल रहे थे कि आप मत करिए मुझे ओवरटेक, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन ओवरटेक नॉरिस की तरफ से और काफ़ी स्लो दिखते हुए हम इन सबके सामने, मतलब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं रितेश के पीछे ना हो, बट काफ़ी बढ़िया ट्रैक है ओवरटेकिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, हम हो रहे हैं बस ओवरटेक और कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था जब मैं, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हमें वन स्टॉप के लिए जाएंगे, ये लोग टू स्टॉपर के लिए जाएंगे क्योंकि इन्होंने सॉफ्ट लगा रखे हैं, तो यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम एक ही स्टॉप कराएंगे, तो उसमें हमें देखना है कि हमें मतलब मेंटेन रखना है पेस, बाकी और कुछ नहीं करना है, बाकी तो बाद में देखा जाएगा कितना क्या ही होता है, कितना कौन कितने पास आता है सेकंड पिट स्टॉप के बाद, जैसे कि यहाँ पर रसल जा चुके हैं कहा से, लेकिन यहाँ पे रसल दूसरे के लिए तो नहीं गए होंगे पता नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों मिक्लेयरन यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे नॉरिस यहाँ पे आउटसाइड में होंगे, डेफिनेटली क्या यहाँ पे डैनियल रिकार्डो अपने ही टीममेट को पीछे कर पाएंगे, यहाँ पे इनसाइड में वापस नॉरिस और बिल्कुल यहाँ पे पीछे छोड़ दिया अपने ही टीममेट को, और टर्न वन जैसे कि मैं बोला था जो ग्रैंड स्टैंड है आउटसाइड में थे, तो यहाँ पे तो देख सकते हो उसके बावजूद यहाँ पे ओवरटेक कर, एक तो फायदा ये मिल रहा है ना उसको जस्ट बाद ही इनसाइड आपको मिल जाती है तो आपको फायदा मिल जाता है, तो और लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो ब्रेक के लिए भी काफ़ी अच्छा टर्न है, तो पता नहीं देख सकते जैसे कि यहाँ पे कार्लो चेंज यहाँ पे हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए, और यहाँ पे काफ़ी आगे भी निकल गए थे कार्लो चेंज डेफिनेटली, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरटेक तो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं बोला टर्न वन के जैसे ही आप आउटसाइड में लेकिन उसके बाद इनसाइड में हो जाते हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वापस आए मतलब कवर कर लिया था अपने पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद इनसाइड में थे कार्लो चेंज और जिसकी वजह से यहाँ पे वो आगे निकल गए हमसे, तो ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पे, भले हम पीछे हो रहे हैं बट मज़ा काफ़ी आ रहा है क्योंकि बराबर फाइट हो रही है, बट मैं अभी फ्रस्ट्रेट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने जैसे तुम लोग बताया कि अब सब लोग जा रहे हैं पिट में, तुम लोग देख सकते हैं चेंज रिकार्डो पिट में जा गए हैं, यहाँ पर मर्सिडीज भी एक पिट में है, रेड बुल भी पिट में है, यहाँ तक रेड बुल और मर्सिडीज मैक्स वर्स्टापन है, तो यहाँ पर देखना है कि हम मैक्स वर्स्टापन को पीछे कर पाएंगे, मैक्स वर्स्टापन भारत यहाँ पर रितेश होंगे इनसाइड में, लेकिन जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन को पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम यहाँ पे मतलब एक ही स्टॉप करा तो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पीछे हुए नहीं है मैक्स वर्स्टापन, यहाँ पर मैक्स वर्स्टापन यहाँ पर ट्राई करते हैं इनसाइड में होंगे, लेकिन आपका लेंथ पीछे और तो काफ़ी स्पीडी वाला टर्न है, तो कोई चांस नहीं दिया यहाँ पे दोनों एक जैसे यहाँ पे ड्राइविंग स्टाइल रखते हैं यहाँ पर रितेश और मैक्स वर्स्टापन, तो कोलाइड होना मेरे ख्याल से अगर हो भी जाता कोई ऐसी सरप्राइज वाली बात होती नहीं, बट काफ़ी पास हैं मैक्स वर्स्टापन न्यू टायर्स के साथ सॉफ्ट टायर्स के साथ, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, पेस की भी रेड बुल पेस की भी एडवांटेज है बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड से ट्राई करते हुए रितेश क्या ही करते पहले इनसाइड और फिर आउटसाइड में आए, और अच्छी चॉइस करी यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड में आए क्योंकि जिसकी वजह से उन्होंने डिफेंड कर लिया अपने आप को, क्योंकि इनसाइड में होते तो कोई चांस नहीं था, लेकिन वहाँ पे आउटसाइड में तो जैसे कि आउटसाइड वाले को ज़्यादा अच्छा ब्रेक लेट कर पा रहा है वो, लेकिन यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन तुम्हें लगता है कि रितेश आने से आनेंगे, जी नहीं यहाँ पे वापस यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन रितेश फाइट करते हुए, और लेकिन नहीं यहाँ पे फिर भी ओवरटेक नहीं कर पाए यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फाइट होती हुई लगता है मेरे को, ब्राज़ील देखने को मिल रहा है एकदम 2021 का, बस लुईस हैमिल्टन नहीं है, बस मैक्स वर्स्टापन हमको पीछे कर रहे हैं, उस टाइम मैक्स वर्स्टापन पीछे हो रहे थे, उस टाइम वो डिफेंड कर रहे थे लुईस को, इस बार हम मैक्स वर्स्टापन को डिफेंड कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल इतना ही पूछ करा जा रहा है यहाँ पे वापस यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन जाते हुए यहाँ पे, लेकिन टर्न वन पे वापस मैं इनसाइड आउटसाइड में है, और यहाँ पर रितेश वापस इनसाइड में है, लेकिन बी टू बी यहाँ पे काफ़ी अच्छा टर्न यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन के द्वारा भी, लेकिन यहाँ पे हल्का कार पीछे उनकी, और जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पे डिफेंड कर लिया अपने आपको, एक और स्टेट आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाइड मोड़ते हुए ओ शेट नाउ नाउ यहाँ पे वापस, लेकिन काफ़ी तो कॉन्टैक्ट हो गया था, ऐसा लगा मेरे को कि बिल्कुल मतलब क्या ही अग्रेसिव यहाँ पे दोनों ही अटैकिंग ड्राइवर यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे बोटास भी पीछे आ चुके हैं, दोनों ही मशीन जा चुके हैं, वैसे नहीं दोनों मशीन नहीं काफ़ी मतलब हैमिल्टन 2 सेकंड पीछे हैं, बट अभी जा ही जाएंगे यहाँ पे तीन कार से व्हील टू व्हील, यहाँ पे क्या मैक्स वर्स्टापन जी नहीं, यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन यहाँ पे काफ़ी इनसाइड में थे बट वो नहीं मुड़ पाए इतना अच्छा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे रितेश के पास काफ़ी अच्छा चांस, वहाँ पे काफ़ी मेरे से हल्का आगे भी थे उनसे, और बिल्कुल यहाँ पे अभी तक तो पीछे नहीं हुए हैं, काफ़ी तगड़ी डिफेंस चल रही है यहाँ पे, मैं और यहाँ पे डैनियल रिकार्डो यहाँ पे बाहर हो जाएगा इंजन फेलियर के कारण,
हाँ यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन यहाँ पे बोटास फाइट करते हैं, यहाँ पे आउटसाइड में होंगे यहाँ पे बोटास और यहाँ पे वापस यहाँ पे टर्न वन टू पे यहाँ पे इनसाइड में, और जिसकी वजह से यहाँ पे बोटास को बोटास ने ओवरटेक कर लिया वर्स्टापन को। हैमिल्टन यहाँ पे आगे चुके हैं वर्स्टापन से, यहाँ पे बोटास यहाँ पे आगे जाते हुए बिल्कुल यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे ओवरटेक कर दे, लेकिन क्या यहाँ पे आउटसाइड में अपना कुछ जगह दे पाएंगे रितेश? नहीं, यहाँ पे कोई चांस नहीं है रितेश के पास आउटसाइड से, और जिस जी हाँ यहाँ पे ओवरटेक कर लिया बोटास ने रितेश को फाइनली। इतनी मतलब कोशिश कर रहे थे रितेश की पीछे ना हो, लेकिन फाइनली मर्सिडीज मेरे ख्याल से बहुत ही तेज है। यहाँ पे वापस यहाँ पे लुईस हैमिल्टन ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए आउटसाइड से, और बिल्कुल क्या ही बेहतरीन यहाँ पे ओवरटेक आउटसाइड से लुईस हैमिल्टन का। ओ भाई साहब क्या ही मतलब फाइट हो रही है भाई साहब, मजे आ गया, मेरे तो मतलब गला ही बैठ गया एकदम चिल्लाते। ओहो बहुत ही बेहतरीन, बट अभी भी हम पोडियम प्लेस पे हैं, क्या मैच उठा मैं उनको डिफेंस कर सकते हैं ये देखना होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ उनको डिफेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम मर्सिडीज दोनों मर्सिडीज को हम एक भी लैप डिफेंस नहीं कर पा, लेकिन हमने मैं सोचता हूँ दो तीन लैप डिफेंस किया है। यहाँ पे वापस यहाँ पे डी आर एस है यहाँ पे मैं सोचता वर्स्टापन के पास, वर्स्टापन यहाँ पे गेनिंग करते वोटर्स के यहाँ पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे, लेकिन आउटसाइड यहाँ पे वर्स्टापन जहाँ पे जाते हुए यहाँ पे क्या इनसाइड यहाँ पे कोई चांस होगा यहाँ पे रितेश के पास? जी नहीं, यहाँ पे काफ़ी पूरी फुल का यहाँ पे पीछे हो गए थे, एंड नहीं यहाँ पे टर्न वन पे आप इनसाइड से, जैसे मैंने पहले ही बोल चुका हूँ गाइस कि नहीं उतना अच्छा चांस। यहाँ पे मैक्स लुईस हैमिल्टन यहाँ पे बोटास यहाँ पे फाइट करते हुए, यहाँ पे लुईस हैमिल्टन ने अपने ही टीममेट को पीछे छोड़ दिया है और लीड करते हुए इस रेस को, यानी कि वाओ क्या ही मतलब बेहतरीन पेस में है एकदम लुईस हैमिल्टन अपने इस सीजन। एक और चैंपियनशिप लगातार थर्ड सीजन जीतना चाहते हैं माई टीम करी मोड में हमारे, और यहाँ पे पीछे लेक्लेयर सेंज बोल रहा हूँ सॉरी नॉरिस आ गए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लेक्लेयर यहाँ पे इनसाइड में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इनसाइड में चले गए वो, एंड मैंने जैसे बोला इस जो टर्न वो मैं कितनी 50 बार बोल चुका हूँ कि टर्न वन पे आप आउटसाइड वाले को एडवांटेज है, अगर आप टर्न वन पे आउटसाइड में, ये नहीं आप टर्न टू पे आउटसाइड में है जो फिर इनसाइड वाले के पास एडवांटेज है। ओह भाई साहब क्या ही फाइट होती है गाइस, क्या ही मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, एंड हम फोर्थ में, आई होप हम फोर्थ में तो कम से कम फिनिश करें, क्योंकि फाइनल लैप चल रहा है और फाइनली यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे एक ही बार यहाँ पर डिफेंस करना रह गया है। यहाँ पर डी आर एस है काफ़ी यहाँ पे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ पे, लेकिन रितेश पहले ही अपने आपको इस बार आउटसाइड में कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे नॉरिस यहाँ पे आगे निकल के मैं कैसे लिख लेते, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे नॉरिस आगे निकल रहा है, क्योंकि नॉरिस यहाँ पे आउटसाइड में थे और बिल्कुल यहाँ पे नॉरिस जिस वजह से यहाँ पे आगे निकल चुके हैं लिख लेते। तो देख ही सकते हो कि मैंने अच्छा खासा तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया आज की इस साले ट्रैक पे अगर तुम्हें डिफेंस करना है स्ट्रेट और टर्न वन पे तो आप आउटसाइड में चले जाइए पहले ही, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा वहाँ पे ओवरटेक और ब्रेक लेट करने का चांस रहता है। बट यहाँ पे हमें देखना है कि नॉरिस को क्या हम डिफेंस कर सकते हैं, वैसे अब कोई स्ट्रेट तो नहीं है तो यहाँ पे आई होप कि कर लें, बट एक ही स्ट्रेट है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे लुईस हैमिल्टन लेकिन यहाँ पे ट्रैक से चेकर्ड फ्लैग एंड यहाँ पे जीतते हुए फ्रेंच ग्रैंड प्री, एब्सोल्यूट मास्टर क्लास मेट, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव यहाँ पे मर्सिडीज के द्वारा, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट है भाई मर्सिडीज यहाँ पे, नॉलेज यहाँ पे ड्राइव करते हुए यहाँ पे क्या व्हील टू व्हील यहाँ पे वापस यहाँ पे फोटो फिनिश होगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे फोटो फिनिश यहाँ पे नॉरिस और रितेश के बीच, लेकिन मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ कि नॉरिस P4 पे पहुँच गया क्योंकि फोटो फिनिश तो है वो, बट जी हम नॉरिस मैंने देख लिया हल्का सा आगे थे वो मतलब एक दो सेंटीमीटर, हाँ एक दो या तीन चार सेंटीमीटर होगा। ओ शेट कम ऑन गाइस, यहाँ पे हम P4 अच्छा खासा चांस आ गए थे लगभग। Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. तो कहीं जाए रिजल्ट भी नजर मारा तो लुईस ने फर्स्ट पे बोटास सेकंड थर्ड पे मैक्स वर्स्टापन नंदन और इससे फोर्थ फिफ्थ पे यहाँ पर रितेश सिंह काफ़ी क्लोज है पे फोटो फिनिश था 0.007 सेट
काफ़ी क्लोज यहाँ पे एस्टेबन ओकन 10 पैक फाइनली एक पॉइंट यहाँ पे मैक्लेरन से यहाँ पे डैनियल रिकार्डो सर्ज पर यहाँ पे बाहर हुए इसलिए से स्टैंडिंग यूनियन में तो मैक्स बोटास यहाँ पे फर्स्ट पे लुईस हैमिल्टन सेकंड सर्ज पर थर्ड पे मैक्स वर्स्टैपन फोर्थ द्वितीय सिंह यहाँ पे फिफ्थ पे हैं एंड एस्टेबन ओकन 11th पे टीम से नजर मारा तो डेफिनेटली यहाँ पे मर्सिडीज फर्स्ट पे रेड बुल सेकंड थर्ड पे मैक्लेरन फोर्थ पे गिब्सन फरारी सिंह फिफ्थ पे फरारी सिक्स्थ पे अल्फिन सेवंथ पे अल्फा टोरी ऑस्टन मार्टिन विलियम्स हास अल्फा रोमियो के पास अभी तक 0 points हैं और यहाँ पे ड्राइवर ली बैक डाउन पे देखे तो डैनियल रिकार्डो यहाँ पे बाहर हो गए तो डेफिनेटली यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम लीड करते हुए इस ड्राइवर ली को एंड काफ़ी मज़ा आया गाइस काफ़ी अच्छी रेस रही है पोल पोजीशन भी जीत नहीं पाए बॉटम फिनिश नहीं कर पाए ठीक ठाक स्ट्रेटजी दी वर्क कर सकती थी बट काफ़ी अच्छा ट्रैक है वो एक ओवरटेकिंग के लिए तो ऐसे कोई डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट नहीं है तो बिल्कुल काफ़ी मैं काफ़ी खुश हूँ इन रिजल्ट से ठीक है अगर ठीक है कोई बात नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारी कार और वैसे भी नेक्स्ट रेस में मैं अपग्रेड मिले एरोडायनामिक्स की तो और स्ट्रॉन्ग होगी हमारी कार एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए बाय बाय।